Saints making puja there, all saints making puja, and split the holy water to single and blessing to primer. Every all saints lineally come, brings, he bowed and get blessings. Totally is bowed in land and our blessings. We are blessings to give a energetic. Shakti, Buddhi, Parakramam. In the Nidhi Shastra Sloka says, who is the God, who is get Deva Prasad? Naya to hona hi chahiye. Aadmi har cheez badalta hai, nahi leta hai. Apne sukh ke liye, aur desh ke kaam ke liye, naya sansad bhavan bana hai, uske liye bahut achha laga. हम तो धर्म की बात करते हैं, गुरु नानक का मिशन पे बोलते हैं. गुरु नानक ने सबको अपना बनाया. अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे. हम किसी को कुछ नहीं कहते. और यहाँ आज पार्लियामेंट की बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन हुआ है उसमें मैंने सिख धर्म को रिप्रेजेंट किया है सर्वधर्म प्रार्थना में. क्या कहेंगे, क्या शब्द इसके लिए पहले ही प्रतिक्रिया? जी जी, सबसे अच्छा तो ये है लगा मुझे कि ये जो नई बिल्डिंग बनी है ये एक परिवर्तन है और एक ऐतिहासिक मोमेंट है ये हमारे लिए. और मैं सर्वधर्म प्रार्थना में हम तो यही सभी लोग धर्मों के लोग एक ही चीज कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक साथ मिलकर के रहे और बहुत तरक्की करे, इस नई भवन में बैठ करके न्याय मिले सबको. बस मेरा यही कहना है. देखो सिंगौर एक हमारी एक ऐतिहासिक चीज है जो आज हमें मिली है और यहाँ जो स्थापित किया गया है ये तो एक बहुत खुशी का बहुत बड़ा मोमेंट है सबके लिए. तो इसके लिए तो सबको मैं बहुत बधाई दूंगी, पूरे देश को बधाई देना चाहिए. देखिए सचमुच में पूरे भारत देश के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और पार्लियामेंट के अंदर एक ऐतिहासिक अद्भुत अलौकिक अनुपम पल हमें देखने को मिला जब हमने देखा कि सर्वधर्म प्रार्थना हो रही है और धर्मदंड को राजदंड को पुनः जो है उसको उचित स्थान मिला, ऐतिहासिक स्थान मिला. और इसलिए मैंने तो जैन धर्म की प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए भगवान महावीर की वाणी नवकार मंत्र मंगल पाठ प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण जैन समाज की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त किया कि उन्होंने धर्मदंड को राजदंड को पुनः आदर देते हुए उचित स्थान दिलाया है. तो सचमुच में वो ऐतिहासिक पल था और न केवल जैन प्रार्थना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सभी परंपराओं की प्रार्थना हुई. यही हमारे देश की जो खूबी है, अनेकता में एकता की बहुलतावादी संस्कृति जिसके कारण से पूरी दुनिया में डंका बजता है, आज वो दृश्य हमें पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला. और वहां पर सभी धर्मों की प्रार्थना के साथ साथ मुझे जैन प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हुई. यहाँ तो पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम धर्म गुरु है, विभिन्न धर्मों के गुरु यहाँ उपस्थित रहे, उन्होंने प्रार्थना भी की है. पर हम एक जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम पहले यहाँ भारतीय नागरिक की हैसियत से यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि भारत ऐसा एक देश है खास करके यहूदियों के लिए. यहूदी धर्म के अनुयायी भारत में 2000 वर्षों से रह रहे हैं और भारत ऐसा देश है कि कभी भी उनको एंटी सेमिटिज्म एंड परसिक्यूशन छल कपट का सामना नहीं करना पड़ा. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसु. जो माता आपको जन्म देती है और जिस देश में आपका जन्म होता है वो स्वर्ग से भी महान है. तो मेरा यही संदेश है कि भारत के संविधान का हमें सम्मान करना है और भारत हमारी मातृभूमि है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए. नहीं भाई, इसमें मैंने कहा था राजनीति और धर्म को हमेशा एक पहलू, एक सिक्के के दो पहलू है, परंतु तो हमें हमेशा जो धर्म से राजनीति को अलग रखना चाहिए क्योंकि धर्म अलग बात है, राजनीति अपना अलग बात है. तो इसके बारे में हम कुछ उसके बारे में कुछ बोले वो ठीक नहीं है. हमें तो बस हम संदेश तो कि ये भारतीय नागरिक की हैसियत से हमने यहाँ प्रार्थना की है और अनेकता में एकता का हमने संदेश दिया है कि जो वसुधैव कुटुंबकम है, जो अतिथि देवो भव है, ये संदेश दिया है कि भारत ऐसा एक मल्टी रिलीजियस देश है सारे विश्व में और कहाँ मिलेंगे इतने अनुयायी. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत में ये प्रेम
कर रहते हैं और सभी धर्मों का आदर होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने भारत देश को हमें भूलना नहीं चाहिए, धर्म के ऊपर भारत भी है। हाँ, आज देश के नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर सभी धर्मों के आचार्य लोगों ने प्रार्थना की। मैंने बौद्ध धर्म के परम्परा प्रार्थना की। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी दलों के संसद सदस्य को अनुरोध भी किया कि आप लोग देश के एकता अखंडता और संरक्षण के लिए, गरीब के कल्याण के लिए और इस देश के महान यानी बहुत पवित्र धर्म संस्कृति को संरक्षण के लिए ज्यादा राजनीतिक ना करिए, कॉमन इश्यू पर एकजुट होकर आप सेवा करें, ये मैंने सब जो अपील किया है। तो ये भारत देश को विश्व शांति के लिए विश्व गुरु के रूप में जो जब होता था, अब समय आ गया कि आप इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए माहौल बनाना चाहिए। इस दिशा में सभी को मिलके राजनीति ज्यादा ना करके विश्व गुरु के लिए क्या इन्हीं परिस्थिति होना चाहिए, करुणा अहिंसा भाईचारा के रूप में काम करना चाहिए। ये मैंने सभी संसद सदस्य को अनुरोध किया है। हम पूरा देश आप लोगों के साथ है।